बीजेपी के तमाम नेता किसान आंदोलन के दौरान चुप थे, तब आप कहां थे? हमेशा किसानों के साथ और बीच में रहकर जितना भी सहयोग हो सकता इतना किया। चुनाव के समय नजदीक आते ही घोषणाओं का अंबार लगा दिया, आपको नहीं लगता कि ये घोषणाएं समय से पहले भी हो सकती थी? पहले जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी थे वो उनके उनकी विचारधारा थी, वो उनके हिसाब से चलते थे। 10 साल से आपकी सरकार थी और 10 साल से आपकी सरकार के बावजूद भी जब आप जुलाना का विकास नहीं करवा पाए तो आने वाले समय में ऐसा क्या अलग होगा? जब तक ऊपर मांगे नहीं पहुंचेगी तो आगे पैसे कैसे आएंगे, तो वो चीजें रही हैं। राधेश्याम जी, मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है और आप विधायक भी बन जाते हैं, तो जुलाना की जनता के लिए सबसे पहला कदम आपका, पहला काम आपका क्या होगा? 2024 के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और तमाम पार्टियों की तरफ से टिकटार्थियों के द्वारा एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें जुलाना की, तो राधेश्याम दौड़ हैं, दौड़ गांव से संबंध रखते हैं। राधेश्याम भी लगातार पार्टी का प्रचार करने में एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं और टिकट के दावेदारों में प्रबल रूप से जाने जा रहे हैं, युवा चेहरे के रूप में। राधेश्याम जी, स्वागत आपका बिंदास। धन्यवाद जी, सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। राधेश्याम जी, तमाम नेता, तमाम चेहरे जुलाना से बीजेपी की टिकट पर दावेदारी जता रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है आपका नंबर आ पाएगा? जैसे और जो दावेदार लगे हुए हैं जी, मैं भी उसी हिसाब से लगा हुआ हूँ, और मेरे में उनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है, मैं जनता जनार्दन की सेवा के रूप में लगाया हुआ हूँ। मेरा एजेंडा ये है, विधायक और नेता बनना नहीं है मेरा एजेंडा। मेरा एजेंडा तो सिर्फ और सिर्फ एक किसान का बेटा बनकर, इन किसानों की और मजदूर परिवार का बेटा बनकर इनकी सेवा करना है, और मैं मेरे हल्का वासियों को पूरा विश्वास के साथ ये कहता हूँ, मैं उनके बीच में रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा जी। उनके बीच में रहेंगे, हम आपको बता दें कि राधेश्याम दौड़ जहाँ कहीं भी जाते हैं किसानों की बात करते हैं, किसानी की बात करते हैं, और इनका ये नारा भी है कि किसानों को मजबूती मिले, किसान का बेटा आगे बढ़े। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता किसान आंदोलन के दौरान चुप थे, तब आप कहाँ थे? और नेताओं के बारे में मैं इतना कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ, सिंगू बॉर्डर पर जो अपने दिल्ली बॉर्डर है, जो सोनीपत की तरफ से कुंडली बॉर्डर, वहाँ पर मेरे जैसे हमने रेंट पे रूम बना रखे हैं किसानों के लिए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे थे, सारी सुविधाएँ वहाँ कर रखी थी, हमेशा किसानों के साथ और बीच में रह कर जितना भी सहयोग हो सकता था इतना किया और आगे भी करेंगे, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान फैमिली से सारे जो दुख सुख आते हैं वो मेरे को पता है, और उन्हीं की आवाज़ उठाने के लिए, उन्हीं का सहयोग करने के लिए, उन्हीं का विकास करने के लिए उनके हमेशा तत्पर उनके साथ रहूँगा, यही मेरा पूरा विश्वास है जी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की, तो कांग्रेस में भी लंबी लिस्ट है, तो क्या लगता है भाई चंद साहब को टिकट मिल गई तो ऐसे में आप फिर क्या कांग्रेस पार्टी को मात दे पाएंगे? कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारा तो किसी से भी कोई भी टक्कर नहीं है, हमारी तो खुद अपने आप से टक्कर है, एक विकास से टक्कर है। अभी सभी जनता जानती है अभी नायब सैनी जी के नेतृत्व में कितना विकास हो रहा है, हरियाणा कितना आगे बढ़ रहा है, और विकास की इसी चीज़ को देखते हुए तीसरी बार भाजपा ही सरकार बनेगी और कांग्रेस की कोई भी टक्कर नहीं है भाजपा के साथ। लेकिन राधेश्याम जी, चुनाव के समय नज़दीक आते ही घोषणाओं का अंबार लगा दिया, आपको नहीं लगता कि ये घोषणाएं समय से पहले भी हो सकती थी? जी ये बताओ, जो अपने पहले जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी थे वो उनके उनकी विचारधारा थी, वो उनके हिसाब से चलते थे जी। और अभी जो नायब सैनी जी, ये किसान मजदूर के बेटे हैं, ये इनकी विचारधारा है, और आते ही इन्होंने कम हुई जड़ी लगा दी, और जब चले जब ही अच्छा, शुरुआत हो तभी अच्छा, इतनी शुरुआत कर दी कि ये तो हर एक मिनट में ये कहते ये कर दिया भाई, ये हो गया भाई, सारे तबके, चाहे किसान मजदूर की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे ये अपने बिजनेसमैनों की बात हो, सभी खुश हैं और बढ़िया काम चल रहा है और हमेशा चलेगा। राधेश्याम जी, मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है और आप विधायक भी बन जाते हैं, तो जुलाना की जनता के लिए सबसे पहला कदम आपका, पहला काम आपका क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है
जनता की, जुलाना की जनता मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और सभी मुझे आशीर्वाद देंगे, उनके बेटे को चुनेंगे और हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। पहले ही आते ही शुरुआत के टाइम में अपने खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, जो स्टेडियम नहीं है, सिंथेटिक के ट्रैक नहीं है, जिसके बिना हमारे खिलाड़ी आगे पहुंचने में सक्षम नहीं रहते या बाहर जाना पड़ता है, वो करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे युवाओं के लिए, जो चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो, बिजनेसमैनों को इन्वाइट करना हो, चाहे फैक्ट्री हैं गुड़गांव से, फरीदाबाद से, पंचकुला से, जहाँ से भी, इनको इन्वाइट करेंगे, रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद साथ ही साथ जुलाने में जैसे स्वास्थ्य की जो अपना सिविल हॉस्पिटल है और गांव में भी जो हॉस्पिटलों की कमी है, जो सिविल, उनको वो करेंगे। उनके साथ ही साथ जो किसानों की कोई भी समस्या है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे गांव में पानी को लेकर हो, चाहे और भी जो मेरी बहनों के लिए जो कोई दिक्कत है, वो सभी एक साथ उठाकर चलेंगे और हमेशा इनके बीच में रहकर काम करेंगे। राधेश्याम, दौड़ की नज़र में जुलाना का सबसे ज़्यादा विकास आज तक किसने करवाया है? मेरी नज़र में तो विकास बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, क्योंकि मैं विकास जुलाना का किसी और से नहीं कर सकता। मैंने देखा है ना, जो कंपेयर, सॉरी विकास नहीं, कंपेयर, जैसे मैं फरीदाबाद देखता हूँ, डेवलप्ड एरिया है, फरीदाबाद के साथ साथ गुड़गांव देखता हूँ, गुड़गांव के साथ साथ सोनीपत भी देखा है मैंने, वहाँ विकास हो रहे हैं। मेरा खून जलाया करता कि जो मेरे भाई हैं, जो मेरा हल्का है, इसमें विकास क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन मजबूर ये थे, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि पहले किसी और पार्टी से थे, उन्होंने कभी भी मेरे युवाओं की हक की आवाज़ या मेरे हल्के में जो कमियां हैं, ना तो उनकी लिस्ट बनाई, ना कभी भी आवाज़ उठाई, उन्होंने पर्सनली कामों से ही फुर्सत नहीं मिली। तो मैंने तो उसी चीज़ से देखते उनके बराबर में ले जाने का काम करना है, चाहे गुड़गांव और फरीदाबाद और ये और इंडस्ट्रीज एरिया जितने। राधेश्याम जी, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आप इतनी बड़ी बात करें? 10 साल से आपकी सरकार थी और 10 साल से आपकी सरकार के बावजूद भी जब आप जुलाना का विकास नहीं करवा पाए, तो आने वाले समय में ऐसा क्या अलग होगा? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये बताओ जी, यहाँ के जो प्रधान थे, अलका के जो प्रधान थे, वो JJP पार्टी से थे। डिमांड और मांग तो इन्होंने रखनी थी, अक जी मेरे हल्के के युवाओं के लिए यो कर दो, स्टेडियम करवा दो, या जो अपनी फाटक है, फ्लाईओवर बनवा दो, सिविल हॉस्पिटल है उसमें बढ़िया स्टाफ करवाओ, या उसमें जो पानी भराव होता है और जो गांव में पानी की समस्या, वो रखनी तो उन्होंने थी। अगर अब पास ना होती, जब पार्टी गलती आती, पार्टी तो बहुत ज़्यादा पैसे दे रही थी, और जगह हुआ तो हमारे साथ भी होता, लेकिन हमारी मांग ही नहीं उठाएंगे, जब तक ऊपर मांगे नहीं पहुंचेगी तो आगे पैसे कैसे आएंगे? तो वो चीज़ें रही हैं जी। बिल्कुल, ये थे राधेश्याम दौड़, जिनका साफ तौर से कहना है कि उनके दिमाग में एक विजन है, जुलाना विधानसभा क्षेत्र को वो बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, बड़े शहरों की तर्ज पर जुलाना का विकास करवाना चाहते हैं। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी कहना है कि यहाँ के वर्तमान JJP के विधायक रहे, उन्होंने विकास के कोई काम नहीं करवाए हैं। हालांकि BJP ने कामों की झड़ी लगा रखी थी, लेकिन स्थानीय विधायक की कमी की वजह से जुलाना हल्का विकास के मामले में पीछे चला गया। अब देखना ये होगा कि क्या राधेश्याम दौड़ को टिकट मिलती है, क्या राधेश्याम दौड़ जुलाना का जो विकास है वो करवाने में कामयाब हो पाते हैं। बहरहाल एक बात होता है कि भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया हो, लेकिन टिकट के दावेदारों की दिलों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हिरणा।